नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, अनुपमा फेम रूपाली गांगुली घर घर में मशहूर है। जी हाँ, रूपाली गांगुली को अब किसी पहचान की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी हाल ही में अनुपमा के सेट पर मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे। मिथुन चक्रवर्ती अपनी बहू मदलसा शर्मा को सरप्राइज देने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि मदलसा शर्मा यानी कि काव्या का रोल निभा रही अनुपमा में मदलसा शर्मा मिथुन चक्रवर्ती की बहू है। आपको बता दें कि मिथुन के बेटे मिमोह चक्रवर्ती से उनकी शादी हुई है। वहीं अनुपमा के सेट पर जब मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे तो सभी लोग दंग रह गए। मिथुन चक्रवर्ती ने हर किसी के साथ अपना कीमती समय स्पेंड किया। आपको बता दें कि अनुपमा फेम रूपाली गांगुली और मिथुन चक्रवर्ती की भी कई पुरानी यादें ताजा हो गई। दोनों ने एक फिल्म में साथ काम किया है और आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ बड़े पर्दे पर रूपाली गांगुली रोमांस भी कर चुकी हैं। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आपको बता दें कि 4 साल की उम्र में मिथुन चक्रवर्ती के ही फिल्म से उन्होंने अपने करियर की भी शुरुआत की थी। जी हाँ, दोनों के रिश्ते के बारे में बात करेंगे लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि अनुपमा के सेट पर मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री हुई लेकिन ये किसी शूटिंग के सिलसिले में नहीं आए हैं बल्कि ये उनकी पर्सनल विजिट है। आपको बता दें कि वो अपनी बहू काव्या का किरदार निभाने वाली मदलसा शर्मा से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शो के सभी एक्टर्स के साथ एक अच्छा वक्त गुजारा और कई फोटोज भी क्लिक कराए। इस दौरान मिथुन ने रूपाली गांगुली के साथ पुरानी यादें भी ताज़ा की। ये बात शायद ही आपको पता होगी कि अनुपमा फेम रूपाली गांगुली 90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम कर चुकी हैं। दोनों साथ में फिल्म अंगारा में एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे। फिल्म साल 1996 में रिलीज हुई थी। फिल्म को रूपाली गांगुली के पिता अनिल गांगुली ने ही डायरेक्ट किया था। रूपाली के पिता बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यही नहीं, रूपाली गांगुली ने मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम किया है। अनुपमा ने डांस इंडिया डांस के सेट पर बताया था कि मिथुन उन्हें डफर बुलाया करते थे, ऐसा वो प्यार से कहते थे। वहीं मिथुन ने भी कहा था कि अगर रूपाली अपने करियर को लेकर जरा भी सीरियस रही होती तो वो इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल जरूर होती। इस पर रूपाली ने कहा था कि उनका ये कहना ही उनके लिए काफ़ी है। अब सालों बाद अनुपमा फेम रूपाली गांगुली मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदलसा के साथ काम कर रही हैं। मदलसा शो में रूपाली की सौतन बनी नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि दोनों के बीच लड़ाई फैंस को बहुत पसंद आती है और यही शो की USP भी है। आपको बता दें कि शो के सेट पर पहुंचे रूपाली और मिथुन की पुराने किस्से जरूर खंगाले होंगे। अपने ससुर की सरप्राइज विजिट से मदलसा शर्मा भी बहुत खुश नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि मिथुन ने सभी के साथ फोटोज क्लिक कराई। जी हाँ, रूपाली गांगुली ने मिथुन के साथ फोटो शेयर करते हुए एक स्पेशल नोट भी लिखा। इसके साथ ही रूपाली ने बताया कि बतौर हीरोइन वो पहली बार मिथुन चक्रवर्ती के साथ ही नजर आई थी। बता दें कि रूपाली गांगुली उम्र में मिथुन चक्रवर्ती से 27 साल छोटी हैं। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती और रूपाली गांगुली ने 1996 में आई फिल्म अंगारा में साथ काम किया था। इस फिल्म में रूपाली हीरोइन थी और उन्होंने गुलाबी का किरदार निभाया था। इस मूवी को उनके पिता अनिल गांगुली ने ही डायरेक्ट किया था। रूपाली के मुताबिक अंगारा के सेट पर उन्होंने कहा कि अंगारा के सेट पर मुझे पापा और मिथुन से बहुत डांट पड़ती थी। वैसे रूपाली ने महज 4 साल की उम्र में पहली बार कैमरा फेस किया था। जी हाँ, उन्होंने कहा कि यह फिल्म 1985 में रिलीज हुई साहब थी। फिल्म में लीड एक्टर अनिल कपूर, अमृता सिंह और राखी थे। रूपाली गांगुली की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 8 साल पहले यानी कि 6 फरवरी 2013 को अश्विन वर्मा से शादी की थी। उनका एक बेटा है जिसका नाम रुद्रांश है। रूपाली गांगुली अश्विन को शादी के 12 साल पहले से जानती थी। अश्विन उनके बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। हालांकि शादी के महज 5 साल पहले ही रूपाली को अश्विन से प्यार हो गया था। जी हाँ, रूपाली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अश्विन को किसी और के साथ शादी करते नहीं देखना चाहती थी। रूपाली के मुताबिक
उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता कुछ ऐसा था कि कभी प्रपोज करने की जरूरत नहीं पड़ी। रूपाली और अश्विन की शादी बेहद सिंपल तरीके से हुई थी। रूपाली और अश्विन ने कोर्ट मैरिज की थी और शादी के लिए उन्हें अपने पति का लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा था। दरअसल अश्विन रास्ता भटक गए थे और इस वजह से वो कहीं और निकल गए थे। काफी देर बाद वो शादी के लिए कोर्ट पहुंचे थे। रूपाली के पति शादी से पहले अमेरिका में रहते थे और वहां 8 फिल्में बनाते थे। रूपाली के मुताबिक शादी के बाद उनके पति अमेरिका की किसी कंपनी में कंसल्टेंट का काम किया करते थे। बता दें कि रूपाली फिलहाल पति बेटे और सास के साथ मुंबई में ही रहती हैं। जी हां, आपको बता दें कि रूपाली गांगुली मिथुन चक्रवर्ती से मिलकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। जी हां, आपको बता दें कि दोनों साथ काम कर चुके हैं अंगारा फिल्म में। जी हां, रूपाली गांगुली और मिथुन चक्रवर्ती की रीसेंट फोटो देख के साफ पता चल रहा है कि रूपाली गांगुली कितनी ज्यादा खुश हैं मिथुन चक्रवर्ती से मिलके। यही नहीं, रूपाली गांगुली ने मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है। आपको बता दें कि अब सालों बाद अनुपमा फेम रूपाली गांगुली मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदलसा के साथ काम कर रही हैं। मदलसा शो में रूपाली की सौतन बनी नजर आ रही हैं। दोनों के बीच लड़ाई फैंस को बहुत पसंद आती है। जी हाँ, आपको बता दें कि सेट पर सभी लोगों ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ अपनी अपनी फोटोज क्लिक कराई। वहीं आपको बता दें कि जब रूपाली गांगुली ने मिथुन चक्रवर्ती को देखा तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह गई, क्योंकि अपने ज़माने में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ रोमांस किया है बड़े पर्दे पर, और अब आपको बता दें कि उन्हें इस तरह से अपने सामने देखना उनके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। उन्होंने कई सारी फ़ोटोज़ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। उन्होंने अपनी फीलिंग बताई कि उन्हें मिथुन चक्रवर्ती से दोबारा मिलके कैसा लगा। जी हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उनकी फिल्म में भी काम कर चुकी हैं और 1996 में आई फिल्म अंगारा में भी मिथुन चक्रवर्ती के साथ रोमांस करती हुई वो दिखाई दी थी। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना मिथुन चक्रवर्ती और रूपाली गांगुली के बारे में। जी हाँ, तो इन दोनों ने साथ में एक ही फिल्म में रोमांस किया है। जी हाँ, ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा। और जैसे ही मिथुन चक्रवर्ती सेट पर पहुंचे तो रूपाली गांगुली की सारी यादें ताजा हो गई। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।